जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और यदि आप 2023 में यानी 14 फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है मैथ्स का, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका एक साल का किया हुआ मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम सारे चीज़ को आपको बारीकी से समझाऊंगा कि कैसे किस पेपर को लिखना है, क्या आपको लेके जाना है, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि मैथ्स का फॉर्मूला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आपका एग्ज़ाम जो 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग सभी में मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो आप सबसे पहले सारे मैथ्स को फार्मूला को देख लीजिए, जितने भी मैथ्स के फार्मूला है उन सारे फार्मूला को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर आपको करना क्या है कि आज आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना है, आज आप सिर्फ और सिर्फ 9 बजे तक, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 बजे रात तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रिलैक्स होकर के और आराम कीजिए कल, ताकि आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को हम देखते हैं कि एग्ज़ाम अगर कल होने वाला है तो रात रात तक पढ़ते हैं, जिससे होता क्या है कि उनका एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वह ख़राब होने लगता है, नींद वगैरह आने लगता है। और खाने पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा फास्ट फूड को नहीं खाइएगा, चावल वगैरह खा करके आप नहीं जाइएगा, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद नींद ना लगे, फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या काम करना है कि आपका एग्ज़ाम कल मैथ्स का है तो आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के ज़रूर जाए। और ज्योमेट्री बॉक्स आप जब लेकर के जाइएगा तो आप बढ़िया से देख लीजिएगा उसमें कोई भी चीट पुर्जा वगैरह है या नहीं है, इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा। आप अपने जेबी वगैरह को भी अच्छा से देख लीजिएगा, कभी कभी होता क्या है कि आप पढ़े और कोई चीज़ पढ़े जेबी में पेज फाड़ करके या रख लिए, तो उससे होगा आपका क्या कि आपको तो पता चलेगा कि हमने तो कुछ नहीं रखा है, लेकिन जो पढ़ा हुआ चीज़ रहेगा जिसको आपने फाड़ के जेबी में रख लिया तो वह आपका डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं जाए, और एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश होने से पहले सारा चीज़ को आप खुद ही चेक कर ले। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाइएगा तो वहाँ पर भी पुलिस और टीचर रहेंगे जो आपको चेक करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, आप समय से पहले निश्चित रूप से पहुंचने का प्रयास कीजिए, और बाहर गेट के सामने रोल कोड वगैरह यह सभी दिया हुआ रहेगा कि आपको जहां कहां जाके बैठना है। यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो जैसी आपका एंट्री होगा आपको अंदर समझा दिया जाएगा। फिर आपको लेकर के क्या जाना है, तो आपको लेकर के जाना है अपने साथ एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। और आपका कल मैथ्स का एग्ज़ाम है तो ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर के जाइएगा, पेंसिल वगैरह स्केल यह सभी को आप रख लीजिएगा। फिर आप अपने साथ लेकर के जाइएगा ब्लैक और ब्लू पेन को, और वैसा पेन लेके जाइएगा जो आप पहले से चला चुके हैं, नया लेकर के नहीं जाइएगा। नया लेकर के अगर आप जाते हैं तो वहाँ जो कलम का स्पीड होगा वह पुराने कलम की तुलना में कम होगा, इसलिए आप पुराने कलम को ही ले जाइए, और ताकि बेहतरीन तरीके से वह चल सके। फिर आपको आगे ध्यान देना है कि समय से लगभग 1 घंटे पहले जाएं, समय से 1 घंटे पहले आप सेंटर पर आराम से पहुंच जाइए। देख लीजिए कि आपके घर से कॉलेज का, स्कूल का डिस्टेंस कितना है उसको आप देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप घर से चलने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा बाइक को एग्ज़ाम के समय में तेज़ मत हाँकिए, और ज़्यादा लोग बाइक पर बैठ के नहीं जाइए, आराम से आप बाइक को ड्राइव करके और जाइए। नेक्स्ट है आपका कि जूता मोजा बेल्ट घड़ी पहनकर नहीं जाना है, आपको जूता पहनकर नहीं जाना है, बेल्ट पहनकर नहीं जाना है, यह सभी आपको घड़ी वगैरह पहन के आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद
संभव हो तो आप मास्क लगा लीजिए, मास्क पहन के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका कहता है कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में घुसिएगा तो आपको एक ओमर सीट दिया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव आंसर करने के लिए आपको आंसर सीट दिया जाएगा, और चूंकि कल मैथ का एग्जाम है इसलिए आपको ग्राफ पेपर भी आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा, सबसे पहले आप की ओमर सीट को बोला कीजिएगा। सब्जेक्टिव पेपर आपको बाद में मिलता है, पहले आपको ओमर सीट पर ही गोला करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, इसमें से किसी 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। तो आप वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हमको आता है उस क्वेश्चन को आप ना पहले बना लीजिए। उसके बाद जब बच जाएगा 50 गो नहीं पूरेगा तो आप देखिएगा कि 50 गो हमको तो पुराना है, तो जितना आपसे क्वेश्चन बन गया पहले इजी उसको आप आराम से बना लीजिए। बाकी बात जो क्वेश्चन बच गया है उसको आप दिमाग लगा के उसको बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन एको वो क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आइएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन 50 गो बनाना है तो 51 ना हो, 52 नहीं हो, इसका विशेष आप ध्यान दीजिएगा। और जब भी आपसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि बन जाता है तो आप नाखून का इस्तेमाल करके उसको घसने का प्रयास नहीं कीजिए, व्हाइटनर वगैरह उस पर चलाने का प्रयास नहीं कीजिए, काटने का प्रयास नहीं कीजिए, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ओमर सीट घसने में आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा कि 100 ऑब्जेक्टिव में से जो जो आपको लगेगा कि हमको आता है, हमसे बन जाएगा, सबसे पहले आप उसको क्या काम कीजिएगा कि टिक लगा लीजिएगा, और छोटा ही टिक लगाइएगा, बड़ा बड़ा टिक नहीं लगाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पेपर में कचरा करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो वहाँ जो शिक्षक होते हैं वह आपको बोलेंगे। इसलिए आपको रफ भी करना है तो एकदम छोटा कीजिए ताकि उसको पता नहीं चलेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। चूंकि ओमर सीट आपको बनाने के लिए कोई रफ कार्य करने के लिए आपको अलग से पेज नहीं दी जाती है, इसका विशेष आपको ध्यान देना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे घसना है उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आएगा उसको बढ़िया से आप टिक लगा लीजिएगा, फिर जो उसका आंसर होगा उसमें आप टिक लगा लीजिएगा, और क्वेश्चन को गिन लीजिएगा कि हमने 50 बना लिया कि नहीं। अगर 50 कंप्लीट हो गया है तो आप जाइएगा ओमर सीट पर, और ओमर सीट में आपने जिस जिस क्वेश्चन को बनाया है, जिसका भी आंसर बी सी डी जो भी आपने लगाया है, उसको उस गोलका में जाके सबसे पहले बुंदका डाल दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर सी होगा, सी में बुंदका, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर डी होगा, तो डी नंबर में जाके आप बुंदका दे दीजिएगा। और बुंदका देने के बाद गिन लीजिएगा कि बुंदका दिया हुआ हमारा 50 हुआ कि नहीं हुआ। यदि 50 हो गया तब आप उसको बाद में गोला कर दीजिए। और गोला करने का तरीका हम आपको बताते हैं, गोला आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले बाहर का राउंड लगाना है, और बाहर के राउंड लगाने के बाद आप अंदर तक जाइएगा। और यदि आप ऐसा करते हैं कि यहाँ से अगर बाहर की तरफ आप जाने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि इधर से उधर हो जाए, और गोला आप ब्लैक पेन से ही करने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा होता है। चलिए, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव बनाने के लिए अलग से पेपर दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको ग्राफ बनाने के लिए अलग से आपको पेपर दिया जाएगा। आपको क्या काम करना है अगला, कि रफ कार्य जरूर करें मैथ्स के दिन, यानी जिस दिन आपका मैथ्स का एग्जाम है, लास्ट वाले आंसर शीट के लास्ट में आप जरूर रफ कीजिए, और लास्ट में रफ करना है, और बाद में उसे क्या करना है, काट देना है। जो आप रफ कार्य कीजिएगा सबसे लास्ट में आप रफ कार्य कीजिएगा, और उसको बाद में आप ऐसे काट दीजिएगा। आगे आपका कहता है कि पहले पेज के आगे पीछे ना लिखे, जो आपको सब्जेक्टिव लिखने के लिए जो आंसर सीट मिलेगा उसके पहले पेज और बाद वाले पेज में आप कुछ नहीं लिखिएगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है
कि बीच में पेज छोड़ छोड़ कर ना बनाए। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि इधर वाले पेज में बना लेते हैं, फिर अगला पेज छोड़ देते हैं, फिर आगे जो आता है क्वेश्चन उसको बना लेते हैं, फिर कभी छूट जाता है। चाहे मिस्टेक से हो चाहे कैसे भी, इसको आपको ध्यान देना है, पेज छोड़ छोड़ के आपको नहीं बनाना है। नहीं तो पता चलेगा कि 5 क्वेश्चन का आप आंसर बना लीजिएगा, 1 पेज को आप छोड़ दीजिएगा और फिर अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो हो सकता है वैसे में कि एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा 5 क्वेश्चन के आंसर बनाया है, आगे नहीं बनाया है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, पेज छोड़ के आप बनाने का प्रयास न कीजिए। कहता है कि क्वेश्चन को आंसर शीट में ना लिखे। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं तो आप आंसर शीट पर क्वेश्चन को नहीं लिखिए, क्योंकि उसका नाम है आंसर शीट, उत्तर पुस्तिका, तो फिर आपको उसमें क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है तो क्वेश्चन नंबर 1, और मैथ है तो आप लिखिएगा ह अलहल, और आप सॉल्व भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, और जो आपको लास्ट में आंसर आएगा उसमें ए एन एस आप लिख सकते हैं। चलिए आगे कहता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर यदि गलत हो जाए तो उसे घसे नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन आप बनाए और आंसर तक आप नहीं पहुंच पाए, चाहे बीच में ही आपका क्वेश्चन छूट गया, आगे आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको ऐसे ऐसे घसने का प्रयास नहीं कीजिए। एक बार आपको ऐसे टिक लगा दीजिए, ऐसे चिन्ह खींच दीजिए, उसको ज्यादा आपको घसने उसने का जरूरत नहीं है, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। आगे कि आज रात 9 बजे तक ही पढ़ना है, 9 बजे से ज्यादा देर तक आपको नहीं पढ़ना है। फिर आगे कहता है कि कुछ भी समझना हो तो क्लास में जो शिक्षक या मैडम होंगे उनसे पूछे। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप के जो क्लास टीचर होंगे, जो परीक्षा हॉल में होंगे, उनसे आप सारी चीजों को आप पूछ सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है। सिग्नेचर वगैरह आप बढ़िया से कीजिएगा, जो उनके द्वारा निर्देश दिया जाएगा उनको आप पालन करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। फिर आपका कहता है कि अंत में कॉपी जमा करते समय एक बार उसे अच्छी तरह से देख ले। जैसे आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप बना लिए, तो जब सारे क्वेश्चन का आप आंसर बना लीजिए तो एक बार देख लीजिए कि कहीं क्वेश्चन नंबर नहीं छूट गया है, कहीं आंसर देना नहीं छूट गया है, कहीं हल लिखना नहीं छूट गया है। इन सब के लिए आप 5 मिनट बचा के जरूर रखिए लास्ट में, और सारे चीज़ को, लिखे हुए चीज़ को आप एक बार बढ़िया से उसको देख लीजिए। और सबसे पहले तो आपको ओमर शीट ही बनाना है। मैथ्स के दिन बहुत सारे स्टूडेंट का शिकायत होता है कि सर हमको पेज ही घट गया, हमारा पेज ही घट गया। तो आप कैसे लिखते हैं से पेज घट जाता है, आप बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास नहीं कीजिए, छोटा छोटा लिखने का प्रयास कीजिए, टाइम पर विशेष ध्यान दीजिए, और आप कल एग्जाम बढ़िया से पेपर को देके आइए। यदि आपका एक आध दो क्वेश्चन छूट भी जाता है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप अगले एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, और नहीं तो ऐसे में पता चलेगा कि एक क्वेश्चन जो आपका छूट गया है इसके फेरे में आपको हो सकता है कि अगला दिन भी एग्जाम खराब चला जाए, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। फिर कहता है कि सभी क्वेश्चन का आंसर समाप्त होने पर आप 36 लाइन खींच दे। यदि सब क्वेश्चन के आप आंसर दे दिए हैं तो आप ऐसे करके लास्ट में एगो लाइन को आप खींच सकते हैं, ताकि अगला एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसको समझ में आएगा कि अब आगे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप पूरा क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से बना लेते हैं तो आप उसको अच्छा से आप एक बार देख लीजिएगा जमा करने से पहले। तो आइए, यही था एक वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यदि आपको कोई भी चीज़ समझने में अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, वहां आपको हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी दोस्त इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू, रखते हैं यहीं तक।